इस वीडियो लेक्चर में हम ओपम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे, कैसे ओपम का न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। और ओपम से न्यूमेरिकल काफ़ी आसान आता है, बस आपके पास थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट हो ओपम का तो बहुत अच्छे से यहाँ से स्कोर कर सकते हो ओपम के क्वेश्चन में, ठीक है। तो कुछ तरीका ओपम का बताते हैं, बहुत ज़्यादा ओपम में कुछ है नहीं, दो चार कॉन्सेप्ट है, अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हो तो ओपम का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो आपसे ओपम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये ओपम का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर ईएस का क्वेश्चन है, आईएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ओपम का थोड़ा बहुत थ्योरी देख लेते हैं कि ओपम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपके पास क्या नॉलेज होना चाहिए, तब आप ओपम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, ओके। तो देखो ओपम हमारा कैसा डिवाइस है, ओपम आइडियली हमारा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज डिवाइस है, ठीक है। ओपम हमारा कैसा डिवाइस होता है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज डिवाइस होता है, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज वोल्टेज को बोलते हैं, ये हमारा बेसिक ओपम है। मान लेते हैं हमारा बेसिक ओपम है, ये इसका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है और ये हमारा इन्वर्टिंग इनपुट है। सो दिस इज द बेसिक ओपम। मान लेते हैं इस इन्वर्टिंग जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, यहाँ का पोटेंशियल वीपी है और नॉन इन्वर्टिंग का पोटेंशियल हमारा वीएफ है, ओके। मान लेते हैं यहाँ से करंट हमारा क्या जा रहा है, आईपी, और यहाँ से करंट जा रहा है मान लेते हैं आईएन। ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर यहाँ एक टर्मिनल है, यहाँ का पोटेंशियल अगर वीपी है और यहाँ करंट कितना फ्लो कर रहा है, आईपी। यहाँ पर हमारा इसका जो पोटेंशियल है वीएन है, वीएन और वीपी इसमें मान रहे, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल को नॉन इन्वर्टिंग बोला जाता है और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करंट यहाँ आईएन है और ये हमारा आउटपुट है वीआउट। इस ओपम का जो गेन है जिसको हम ओपन लूप गेन बोलते हैं, ठीक है। ओपन लूप गेन कहने का मतलब क्या हुआ, अभी इस ओपम में हम कोई भी फीडबैक नहीं लगाए हैं, बिना फीडबैक का, विदाउट फीडबैक ओरिजिनली जो ओपम के पास गेन है वो गेन मान लेते हैं इसका ए है। ओपम का गेन कितना है, ए अमाउंट का गेन है, जिसको हम ओपन लूप गेन बोलते हैं, विच इज वेरी हाई, बहुत हाई होता है ये ओपन का गेन। प्रैक्टिकली ये आपका 10^6 के आसपास होता है, इतना ज्यादा हाई गेन है ये हमारा ओपन। अब देखिए ये जो हमारा वैल्यू है वीपी और ये वीएन, तो इसका डिफरेंस वोल्टेज कितना होगा, इसका डिफरेंस वोल्टेज होगा वीपी माइनस वीएन। अगर दोनों वोल्टेज का डिफरेंस हम देखें तो ये वोल्टेज कितना होता है, वीपी माइनस वीएन, जिसको हम डिफरेंशियल वोल्टेज भी बोलते हैं, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। ओपम एक्चुअली क्या होता है, इट इज ए वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, यानी इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वी आउट, ओके, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। ओपम का जो आउटपुट होता है वो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज, तो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज कैसे डिपेंड करेगा, ए इनटू वी आई डी। इसमें ए क्या है, गेन है हमारा, ए क्या है, गेन है, और इस ए को हम बोल सकते हैं ये हमारा कांस्टेंट है। अगर ये हमारा कांस्टेंट है तो वी आउट क्या होगा, वी आउट इज प्रोपोर्शनल टू वी आई डी, वी आउट इज प्रोपोर्शनल टू वी आई डी। तो देख लो आउटपुट वोल्टेज ऑफ ओपम इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट डिफरेंस वोल्टेज, इनपुट डिफरेंस वोल्टेज। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी को आप ब्रेक करोगे तो ये कांस्टेंट नजर आएगा, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, ओपम का गेन बोलेंगे। ये हमारा ओपम का गेन हुआ, ओके, ओपम का गेन। अब देखो यहां से एक रिलेशन हम आपको दिखा रहे हैं, वी आउट इज इक्वल टू, जनरली आप जानते हो अगर आइडियल ओपम हो तो आइडियल ओपम के लिए ए का वैल्यू क्या होता है, आइडियल ओपम के लिए ए का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। प्रैक्टिकल ओपम के लिए ए का वैल्यू बहुत हाई होता है, वो हाई वैल्यू कितना होता है, ऑलमोस्ट 10^6। बट आइडियल ओपम के लिए जो गेन होता है, ये जनरली कौन सा गेन है, डिफरेंशियल गेन है। ओपम के पास दो गेन होता है, एक डिफरेंशियल गेन होता है, एक कॉमन मोड गेन होता है। तो अभी हम डिफरेंशियल गेन के बारे में बात कर रहे हैं, ये गेन कितना होता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0, बिकॉज 1/0 को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। और वी आई डी का वैल्यू जो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज हो कितना है, वीपी माइनस वीपी माइनस वीएन। अब देखो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करते हो तो ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो बचेगा यहाँ कितना, वीपी माइनस वीएन, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। वीपी माइनस वीएन क्योंकि जीरो इंटू वी आउट जीरो हो जाएगा, सो वीपी माइनस वीएन इक्वल टू जीरो। सो इस इक्वेशन से हमको क्या मिलने वाला है, वीपी इज इक्वल टू वीएन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ओपम का, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो ये रिलेशन आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। VP is equal to VN, यानी कि आपका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज होता है और इन्वर्टिंग टर्मिनल
का जो वोल्टेज होता है वो दोनों आपस में क्या होता है बराबर, ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर। अब आपको लग रहा होगा कि सर अगर ये दोनों बराबर होगा तो डिफरेंशियल वोल्टेज तो हमेशा जीरो होगा। अगर डिफरेंशियल वोल्टेज जीरो है तो फिर आउटपुट कैसे निकलेगा, क्योंकि आउटपुट क्या होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंशियल वोल्टेज, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंशियल वोल्टेज। सो अगर ये हमारा जीरो है तो आउटपुट जीरो होना चाहिए, तब तो ऐसे में कोई भी ओपन आप का काम नहीं करेगा। बट ऐसा नहीं है, ये अगर हम इसको ले रहे हैं तो ये किस केस में ले रहे हैं, आइडियल केस में ले रहे हैं, और आइडियल केस में हमारा ए क्या होता है इन्फिनिटी, ए क्या होता है इन्फिनाइट। सो अगर हमारा वी आई डी बहुत कम है, जीरो तो आइडियल ले रहे हैं, मतलब अगर हमारा प्रैक्टिकली जो होगा वो वी आई डी क्या होगा, बहुत बहुत कम होगा, एकदम जीरो के नीरर होगा, जीरो के नीरर होगा। बट ए सेम टाइम पर ए क्या है इनफाइनाइट है, मीन्स ए इज वेरी वेरी हाई। तो इतने हाई वैल्यू के साथ अगर बहुत बहुत स्मॉल वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हो तो इसका जो रिजल्ट होता है वो फाइनाइट आता है। तो ये नहीं सोचना है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो आउटपुट कैसे आएगा, ओके आउटपुट कैसे आएगा, क्योंकि एक्चुअल में बराबर नहीं होगा, प्रैक्टिकली ये बराबर नहीं होता, ये आइडियली बराबर हो रहा है, हम उसको आइडियल सिचुएशन बोल रहे हैं कि आइडियली ये बराबर है, बट प्रैक्टिकली दे आर वेरी नियरर टू ईच अदर। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो बहुत बहुत स्मॉल होगा, अप्रोचेस टू जीरो, जीरो एग्जैक्ट नहीं होगा बट नियरर टू जीरो होगा। नियरर टू जीरो होने का मतलब ये नहीं कि आउटपुट जीरो होगा, क्योंकि आप ए को भी देखना होगा, इसका जो गेन है वो अप्रोचेस टू कहां है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंटू क्या हो रहा है लो वैल्यू, इन्फिनिटी इंटू लो वैल्यू, या बोलो इन्फिनिटी इंटू जीरो, इन्फिनिटी इंटू जीरो जीरो नहीं होता है, ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। सो डिफरेंशियल इनपुट तो बहुत कम आ रहा है बट गेन इतना ज्यादा हाई है जिसके कारण हमको आउटपुट क्या मिलता है फाइनाइट मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वीपी इज इक्वल टू क्या होगा वीएन, वीपी इज इक्वल टू क्या होगा वीएन। अब ये चीज याद रखिएगा, आजकल जो नया ट्रेंड आता है क्वेश्चन में यहाँ बहुत आपको घुमाता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या दे देता है, आपको दे देगा प्रैक्टिकल ओपन दे देगा, आइडियल ओपन नहीं देगा, प्रैक्टिकल ओपन दे देगा, और जिसमें ओपन लूप गेन ए जो होगा वो आपको इनफाइनाइट नहीं देगा। जैसे मान लेते हैं ए का वैल्यू आपको दे दिया 100, क्वेश्चन है ये दे दिया ए का वैल्यू 100, ए का वैल्यू अगर 100 है तब ये रिलेशन ट्रू होगा क्या VP इक्वल टू VN। देखो ये हम निकाले कहां से, यहां से निकाले हैं कि VP इक्वल टू VN था, यहां A था हमारा, A का वैल्यू हम यहां कितना ले रहे हैं, ये A का वैल्यू हम ले रहे हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिए इसलिए हम यहां क्या लिखे 1/0। अगर ये इन्फिनिटी नहीं होता क्या ये 1/0 हम लिखते हैं, नहीं, इसके जगह ये की जगह क्या लिखना होता 100, तब क्या VP इक्वल टू VN होगा, नहीं होगा। सो ये चीज आपको याद रखना है कि VP इक्वल टू VN होता है लेकिन उसके साथ टर्म एंड कंडीशन याद रखना है। VP इक्वल टू VN आपका ओपन में तभी होता है जब ओपन कैसा हो, आइडियल ओपन हो। आइडियल ओपन करने का मतलब है कि उसका गेन जो होगा वो इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में ओपन का गेन इनफाइनाइट नहीं दिया है तब आप इस रिलेशन को यूज नहीं कर सकते हो। तो बहुत लोगों में ये रहता है कि इन लोग उसको ओपन को कर लेते हैं और उनको हमेशा लगता है कि VP इक्वल टू VN होगा और क्वेश्चन उसी वे में आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो VP इक्वल टू VN पहले आप लगा सकते हो या नहीं इस कंडीशन को चेक करना, और इस कंडीशन को चेक करने के लिए क्या देखोगे, ओपन इज आइडियल और नॉट, या हमारा जो ओपन का गेन है वो इनफाइनाइट है या नहीं। अगर ओपन का गेन इनफाइनाइट है देन दिस रिलेशन इज ट्रू, उसके बाद आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ये एक पहला पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या याद रखोगे कि whether ओपन गिवन ओपन इज आइडियल और नॉट, if it is ideal then VP equal to VN आप जो consider कर सकते हो, अगर वो नहीं है ideal तब आप VP equal to VN consider नहीं करोगे, तब अलग से आपको VP निकालना होगा, अलग से VN निकालना होगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, तो वो आप सर्किट लॉ लगाओगे और सर्किट लॉ लगाकर VP और VN निकालोगे, उसके बाद आप आउटपुट निकालोगे इस रिलेशन के थ्रू। आउटपुट इक्वल टू गेन इनटू वीआईडी, गेन आपको कुछ दे देगा प्रैक्टिकल ओपन के लिए, और वीआईडी में ये VP अलग से निकालोगे VN अलग से निकालोगे, दोनों बराबर नहीं होगा। ये दोनों बराबर कब लेना है, जब ओपन कैसा हो आइडियल हो, ये कंडीशन को याद रखिएगा। एक और कंडीशन आप यहां से चीज देखते हैं, हम लोग आईपी और आईएन का वैल्यू देखते हैं आइडियल ओपन के लिए क्या होता है। आइडियल ओपन में ये जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस होता है ओपन का इनपुट रेजिस्टेंस, आइडियल ओपन के लिए जो इनपुट रेजिस्टेंस ओपन का होगा, मान लेते हैं ये है आरआई, इनपुट रेजिस्टेंस आइडियल ओपन के लिए क्या होता है वेरी हाई, इट इज इंफिनिटी। प्रैक्टिकली ये मेगा ओम में होता है, प्रैक्टिकली मेगा ओम में होता है, बट आइडियली अगर आप लेते हो तो आरआई का वैल्यू कितना होगा इनफाइनाइट। अगर आरआई का वैल्यू इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे शो करते हैं, ओपन सर्किट से, इसको हम क्या कर देंगे ओपन। अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो आईपी या आईएन फ्लो करेगा नहीं, क्योंकि उसको पाथ नहीं मिल रहा है, बिकॉज ये रजिस्टर इतना ज्यादा हाई है कि ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स इन आइडियल ओपन आईपी और आईएन ये क्या होगा, दोनों जीरो होगा, क्योंकि ये फ्लो ही नहीं करेगा,
दोनों जीरो होगा। क्यों नहीं फ्लो करेगा? क्योंकि आइडियल ओपम में इनपुट इंपेडेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को हम ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये ओपन सर्किट से होगा सो आईपी एंड आईएन विल बी जीरो। सो दिस इज केस फॉर आइडियल ओपम। सो प्रैक्टिकल ओपम के लिए क्या होगा? प्रैक्टिकल ओपम में तो ओपन सर्किट नहीं होता है क्योंकि वहां इनफाइनाइट तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो प्रैक्टिकल में क्या होता है? मेगा ओम में आपका रेजिस्टेंस होता है। अगर ये रेजिस्टेंस हमारा मेगा ओम में होगा तो यहां जो करंट फ्लो करता है वो बहुत ही स्मॉल फ्लो करेगा। इट इज इन माइक्रो एम्पियर एंड नैनो एम्पियर, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम इग्नोर करके चलेंगे। बट ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली करंट नहीं फ्लो करेगा, प्रैक्टिकली बहुत लिटिल अमाउंट का करंट फ्लो करेगा। आइडियली जीरो कर रहा है तो प्रैक्टिकली जो होगा वो जीरो के नियर होगा, यानी नैनो एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो करेगा, बिकॉज दिस रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई। तो ओपन का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑलवेज हम आईपी और आईएन करंट को क्या लेकर चलेंगे? जीरो लेकर चलेंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल ओपम हो या फिर हमारा आइडियल ओपम हो। क्योंकि प्रैक्टिकल होगा तो इसका वैल्यू इतना कम है तो उसको कंसिडर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और आइडियल ओपम है तो इसका वैल्यू तो जीरो होना ही है। तो ये दो कॉन्सेप्ट को आप इंपॉर्टेंट एकदम देना है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगर ओपम आइडियल है तो वीपी और वीएन जो होगा, वीपी और वीएन हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है, ये वोल्टेज जो होगा यानी कि नॉन इन्वर्टिंग का टर्मिनल वोल्टेज और इन्वर्टिंग का टर्मिनल वोल्टेज, वो आपस में बराबर होगा इफ ओपम इज आइडियल, इफ गेन इज इन्फिनिटी। ओके, इफ गेन इज इन्फिनिटी एंड करंट थ्रू दिस टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के थ्रू जो करंट इंटर करेगा ओपम के अंदर जाएगा, वो करंट ऑलमोस्ट जीरो होगा इन बोथ केसेस, आइदर इट इज आइडियल ओपम और इट इज अ प्रैक्टिकल ओपम। सो अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, दिखाते हैं आपको ओपम का क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे ये करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे। तो ये ध्यान में रखोगे, ये कॉन्सेप्ट जो अभी आपको हम डील किए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है माइनस वाला, तो माइनस वाला का जो ये टर्मिनल वोल्टेज है इस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे? Vn। पॉजिटिव वाले से जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे? Vp। ओके, पहले ये नेम दे दिए। यहां से जो अंदर करंट जाएगा ओपन की ओर इन्वर्टिंग से, इसको हम क्या बोलेंगे? In। और यहां से जो करंट अंदर जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे? Ip। सबसे पहले क्या करना है, ओपम चाहे आइडियल हो या प्रैक्टिकल हो, ये रिलेशन तो आपको हमेशा ट्रू होगा, आईपी और आईएन ये हमेशा किसके बराबर होगा? जीरो एम्पियर के बराबर होगा, हमेशा, चाहे वो आइडियल हो या प्रैक्टिकल हो। आइडियल होगा तो वो नैनो में, आइडियल होगा तो वो एग्जैक्ट जीरो होगा, प्रैक्टिकल होगा तो वो माइक्रो और नैनो में होगा, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, जिसको जीरो ले सकते हो आप, ठीक है। दूसरा चीज क्या करना है आपको देखना है, वो ओपम आइडियल है या नहीं। ओपम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ओपम आइडियल है या प्रैक्टिकल है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑब्वियसली हम क्या लेंगे? ओपम को आइडियल ओपम कंसिडर करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल ओपम नहीं लेना है। अगर वो प्रैक्टिकल ओपम रहेगा तो गेन का वैल्यू वहां देगा, ठीक है, गेन का वैल्यू देगा। सो ओपम हमारा यहाँ आइडियल है, अगर आइडियल ओपम है तो हम वीपी और वीएन को भी बराबर कर सकते हैं। वीपी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वीएन। ये दोनों आपस में हमारा क्या होगा? बराबर होगा। अब आपको ओपम के क्वेश्चन में ये दो स्टेप हमेशा करना है। स्टेप आपको सिखा रहे हैं ओपम के न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट करोगे। पहला ये दो स्टेप करोगे, ये स्टेप तो हर क्वेश्चन में होगा, इस स्टेप के लिए कंडीशन है, तो कंडीशन ध्यान में रखना, चेक कर लेना ओपम आइडियल है या नहीं। अगर आइडियल है तभी आप ये काम कर सकते हो। तो ये दोनों बराबर होगा। अब थर्ड स्टेप आपको क्या करना होगा, अगर दोनों बराबर है तो आप वीपी और वीएन में किसी एक को आपको निकाल देना है, क्योंकि एक को निकालोगे तो दोनों तो निकल ही जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो देखते हैं इसमें कौन किसको निकाला जा सकता है ओपम में से। यहाँ के वोल्टेज को निकालना टफ है क्योंकि यहाँ के वोल्टेज को निकालने के लिए यहाँ का करंट हमको जानना जरूरी है कि यहाँ करंट कितना होगा। यहाँ करंट यहाँ डायरेक्ट जीरो मत कर देना, ठीक है, क्योंकि ये फीडबैक लगा हुआ है, यहाँ इनपुट दिए हैं तो कुछ आउटपुट आएगा ओपम का, आउटपुट आएगा तो इस आउटपुट के कारण करंट फ्लो करेगा, इस रजिस्टर में भी करंट होगा। तो जब तक यहाँ का करंट आपको पता नहीं होगा ये वीएन नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। सो अब हम वीपी निकालने का कोशिश करते हैं, यहाँ से वीपी कैसे निकलेगा। तो देखते हैं वीपी निकालने का तरीका क्या होगा। मान लेते हैं यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I1, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I2, इधर एक करंट फ्लो कर रहा है I3, ठीक है, I3। अब हम क्या करते हैं, इस वीपी पॉइंट पर हम KCL लगा देते हैं, ठीक है। सो लिखते हैं यहां अप्लाई KCL एट नोड वीपी, एट नोड वीपी, इसका नाम भी हम लोग वीपी दे देते हैं नोड का, ओके। तो KCL लगाते हैं, देखो I1 इनकमिंग है इस नोड में, I2 भी इनकमिंग है, I3 आउटगोइंग है, और IP क्या है? आउटगोइंग है। सो इनकमिंग वाले को एक तरफ रखो I1 प्लस I2, क्योंकि KCL क्या कहता है कि किसी नोड पर
जितना इनकमिंग करंट होगा उसका सम इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट का सम, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इनकमिंग करंट I1 है और I2 है, आउटगोइंग करंट हमारा कौन है, I3 है और IP है। हम जानते हैं पहले लिख चुके हैं आईपी का वैल्यू कितना होगा, जीरो। तो ये करंट तो हमको कैलकुलेट करना नहीं है, ये करंट कितना हो चुका है, जीरो। अब आई वन का हम लिखते हैं इक्वेशन। देखो आई वन करंट कितना होगा, ये नोड का वोल्टेज कितना है, आई वन का करंट डायरेक्शन देखो क्या है, करंट डायरेक्शन इधर है, ये करंट डायरेक्शन है, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है करंट, यानी ये पोटेंशियल बड़ा होगा और ये पोटेंशियल क्या होगा, छोटा होगा। तो करंट हमेशा कैसे जाता है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आई वन का करंट क्या होगा, हाई पोटेंशियल ये है यानी टू वोल्ट माइनस लो पोटेंशियल ये है मतलब वीपी। सो टू माइनस वीपी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आर, प्लस I2 करंट निकालते हैं। देखो I2 का भी करंट डायरेक्शन क्या है, यही है, इधर से जा रहा है I2 का करंट। अगर ये I2 का करंट डायरेक्शन है तो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो हायर पोटेंशियल इसका कितना है, माइनस वन वोल्ट। तो यहां लिखेंगे माइनस वन, माइनस यहां का पोटेंशियल कितना है, इधर वाले का ये सेम है VP, यहां लिखेंगे VP डिवाइडेड बाय R इक्वल टू I3 का करंट इक्वेशन लिखते हैं। देखते हैं I3 का, I3 इस ब्रांच में आ रहा है, I3 का डायरेक्शन क्या है, एरो का ऊपर से नीचे, मतलब ये हमारा हायर पोटेंशियल में है और ये हमारा लोअर पोटेंशियल है। इसका हायर पोटेंशियल कितना है VP और लोअर पोटेंशियल इसका क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो डिवाइडेड बाय R। ओके, यहां से R को आप कॉमन लेकर इसके साथ कैंसिल कर सकते हो, तो ये R आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, यहां टू माइनस VP माइनस वन माइनस, ओके, माइनस VP इज इक्वल टू VP। ओके, ये हमारा बचेगा, देख लेना, R को यहां से आप कैंसिल कर दोगे, ये R कॉमन ले लोगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से VP निकालो तो VP कितना होगा, देखो एक VP यहां माइनस में, एक VP यहां माइनस में, ये दोनों VP इधर चला जाएगा, तो ये 2 VP इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 VP। और यहां कितना होगा, 2 माइनस 1, सो हियर 1 इज इक्वल टू 3 VP। कैलकुलेशन कर लेना आप, तो VP का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, VP का वैल्यू आ रहा है 1/3 वोल्ट। सो ये हमारा VP निकल गया, VP का वैल्यू निकल गया कितना, 1/3 वोल्ट। ओके, सो इसको हम ऊपर लिख देते हैं थोड़ा आपको, VP का वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका मिलेगा 1/3 वोल्ट, ये VP निकला। अच्छा, अब हम जानते हैं ये आइडियल ओपन है तो VP और VN आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो यही वैल्यू हमारा किसका होगा, VN का भी होगा। तो ओपन में स्टेप से याद रखना है, पहले IP और IN को जीरो करना है, उसके बाद VP और VN चेक करना है कि ये बराबर होगा या नहीं। अगर बराबर हो जाता है तो आप दोनों में से किसी एक को निकालने का कोशिश करोगे, ठीक है, तो वहां से एक आपका निकल जाएगा, तो वो दोनों का वैल्यू मिल गया हमको क्योंकि दोनों बराबर था। अब क्या करोगे, आउटपुट आपको निकालना है, तो देखो आउटपुट निकालने के लिए आपको किस लूप में जाना होगा, यहां से कहीं भी कनेक्शन वी आउट का है क्या, इन्वर्टिंग टर्मिनल से कहीं भी कनेक्शन वी आउट का है, नहीं, वी आउट का कनेक्शन हमारा इस नोड से है। तो अब हम क्या करेंगे, इस नोड में केसीएल लगा देंगे और यहां से हम ट्राई करेंगे आउटपुट निकालने का। इधर केसीएल लगाओगे तो आउटपुट नहीं निकलेगा क्योंकि यहां से आपका आउटपुट इधर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग केसीएल लगाते हैं इस वाले नोड में क्योंकि इसका कनेक्शन हमारा आउटपुट से दिख रहा है। सो स्टार्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं केसीएल, अप्लाई केसीएल एट नोड वीएन, एट नोड वीएन, वीएन में केसीएल लगाते हैं तो पहले इसमें करंट डायरेक्शन लगा देते हैं। देखो इसमें करंट का डायरेक्शन कहीं भी दे दोगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आप चाहो तो एक बार अपना ट्राई कर लेना, हम करंट का डायरेक्शन जो दिए हैं आप उसके अपोजिट करंट का डायरेक्शन देके देख लेना, या किसी का मेरे जैसा देना और किसी को आप अपने तरीका से उल्टा पलटा कर देना, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। सो ये हम करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं, आई वन आई टू आई थ्री मान चुके हैं, तो इसको हम कुछ और मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं आई फोर, और यहां से जो करंट जा रहा है इसको हम मान लेते हैं आई फाइव। एक मिनट के लिए अगर आप अपने से चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप इसको इधर से करंट का डायरेक्शन मान लेना, फिर भी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा, क्योंकि बाद में हम यहाँ ओम्स लॉ लगाने वाले हैं, ओम्स लॉ लगाएंगे तो डायरेक्शन अपने आप वो सेट कर लेगा, ठीक है, वो हायर टू लोअर पोटेंशियल ही फ्लो करेगा करंट। आप कुछ भी एज्यूम करो, जो करंट जो हायर से लोअर जाएगा वही करंट फ्लो करेगा, एक्चुअल करंट जो होगा। सो चलिए यहां पर हम कैसे लगाते हैं, देखो इस नोड में क्या हो रहा है, आई फोर इनकमिंग है, आई एन और आई फाइव आउटगोइंग है।
सो आई फोर इक्वल टू क्या होगा, आई फाइव प्लस आई एन। आई एन का वैल्यू कितना होता है, जीरो। ठीक है, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आई फोर का वैल्यू लिखते हैं। देखो आई फोर का करंट का डायरेक्शन क्या है, एरो का डायरेक्शन इधर है, मतलब ये हायर पोटेंशियल होगा और यहां जहां जा रहा है वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल इसका कितना है, वी आउट। लोअर पोटेंशियल ये कितना है, वी एन। डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है इसके बीच में, 2R। इक्वल टू आई फाइव। देखो आई फाइव का एरो डायरेक्शन आपको पहले देखना है, एरो डायरेक्शन। एरो डायरेक्शन इधर है, यानी ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। ये कितना हो जाएगा, वी एन माइनस जीरो डिवाइडेड बाय आर। ओके, यहां से आर को आप कैंसिल कर सकते हो और टू को इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब टू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नॉट माइनस वी एन इक्वल टू क्या होगा, टू इंटू वी एन, टू इंटू वी एन। ओके, अब वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहां से इसको हम इधर कर लेते हैं थोड़ा। वी नॉट इक्वल टू ये वी एन इधर चला जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, थ्री वी एन। वी एन का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, जो वीपी निकाले थे वो वी एन के बराबर होगा और इसका वैल्यू कितना है, थ्री इंटू वन बाई थ्री, ये कैंसल हो जाएगा तो वी नॉट का वैल्यू कितना बचेगा, वन वोल्ट। तो देखिए कितना आसानी से निकल गया, वी नॉट इक्वल टू कितना होगा, वन वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, वन वोल्ट, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए विल बी राइट। ये क्वेश्चन आपका आईईएस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। सो आईईएस में पूछे या गेट में पूछे, ओपम से अगर क्वेश्चन आता है तो जो प्रोसेस है ज्यादा इसमें है नहीं वैरायटी क्वेश्चन का, ओपम का। ठीक है, वैरायटी बहुत कम है, बस आपको थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है और वैरायटी के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है। एक आइडियल ओपम के लिए प्रैक्टिस करना है आपको और एक आपको करना है प्रैक्टिकल ओपम के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल ओपम में ये वीपी और वीएन आपस में बराबर नहीं होता है, तो उस समय आप ये बराबर करके वोल्टेज नहीं निकाल लेते हो। आइडियल ओपम का क्या आसानी होता है, दोनों में से कोई एक भी निकल गया तो एक दूसरे का तो दोनों बराबर होगा, आप बराबर कर देते हो और दो आपको वोल्टेज मिल जाता है। अगर वो आपको आइडियल नहीं है तो आपको सर्किट लॉ लगाकर, जो नेटवर्क थ्योरी में आप लॉ पढ़ते हो, ठीक है, वो सारा लगाकर आपको वीपी अलग से निकालना होगा, वीएन अलग से निकालना होगा और आउटपुट निकालने के लिए आपको ये रिलेशन यूज करना होगा, ए इंटू वीपी माइनस वीएन। तो ये आपका निकला रहेगा, ये निकला रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो यहां से आप आउटपुट निकाल सकते हो इफ ओपम इज प्रैक्टिकल। तो नया ट्रेंड है ओपम, प्रैक्टिकल ओपम पूछा जाता है आपको क्वेश्चन। आने वाले वीडियो में हम जरूर बताएंगे, प्रैक्टिकल ओपम पर भी आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, ओपम से। ओपम का एक और क्वेश्चन लेते हैं, नया क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ओपम और साथ में बीजेटी को मर्ज किया हुआ है, ठीक है, तो ये एक नया ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का जिसमें ओपम और बीजेटी मिक्स करके क्वेश्चन आपको किया जाता है। बट क्वेश्चन ऐसा बहुत आसान होता है, देखने में बहुत टफ लगता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन। बट अगर आप कॉन्सेप्ट बीजेटी का अच्छे से आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट ओपम का आ रहा है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला, बस प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे ये सब क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन को अभी हम लोग करते हैं सॉल्व। सबसे पहला ओपम दिया हुआ है, तो ओपम जब भी आपका आया तो दिमाग में ये डाटा आपके पास आना चाहिए, ठीक है, कि क्या ओपम आइडियल है, ठीक है, या प्रैक्टिकल है। अब उसके लिए आप क्वेश्चन को पढ़ोगे एक बार, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ओपम के बारे में नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब ओपम क्या है, आइडियल है। और आइडियल ओपम है तो एक चीज तो आपको पता है, इफ ओपम इज आइडियल देन वीपी इक्वल टू क्या होगा, वीएन, ये आपको पता रहता है, ठीक है। सो अगर ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, वीपी, और इसको हम क्या बोलते हैं, वीएन। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, वीएन। And if opam is ideal, so question पढ़ने से आपको पता चलेगा opam ideal है या नहीं। तो यहाँ question के बारे में, opam के बारे में कोई information नहीं, इसका मतलब opam ideal है, so vp equal to क्या होगा, vn। और vp का value यहाँ कितना दिया हुआ है question में, देखो ये vp यहाँ पर है और इस vp में कितना voltage लगाया गया है, 2 volt लगाया गया है, यानी vp का value कितना निकल गया, 2 volt, जो vn के भी voltage के बराबर होगा। So बहुत ही आसान सा concept था ये, इसमें vp निकालना भी नहीं था, vp दिया हुआ था 2 volt। अच्छा, अगर यहाँ पर 2 वोल्ट है, देखो यहाँ पर 2 वोल्ट है तो इसके बीच में तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो वोल्टेज का खर्च होगा क्या, नहीं। तो ये 2 वोल्ट जो होगा वो सेम 2 वोल्ट यहाँ भी मिलेगा, सेम 2 वोल्ट यहाँ भी मिलेगा, सेम 2 वोल्ट यहाँ भी मिलेगा, यानी यहाँ का वोल्टेज हमको कितना मिल गया, 2 वोल्ट। अगर यहाँ का वोल्टेज हमको 2 वोल्ट मिलता है तो हम यहाँ का करंट नहीं निकाल सकते, ये करंट कितना होगा, ये करंट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना होगा ये करंट, तो देख लेते हैं। ये करंट मान लेते हैं ये करंट हमारा है कोई I1 नाम का करंट है, I1 नाम का कोई करंट है, तो ये I1 करंट कितना फ्लो करेगा, देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। I1 करंट है तो ये हमारा हायर पोटेंशियल है 12 वोल्ट, यहां का वोल्टेज पता है,
यहां का वोल्टेज हमको पता है 2 वोल्ट, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम, ये हो गया 1 किलो ओम, तो ये कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 1 किलो, सो I1 का वैल्यू कितना आया, I1 का वैल्यू हमारा आ गया 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर ये I1 का वैल्यू आया। ओके, IC का कितना होगा वैल्यू, हम बोले हुए हैं आपको जब BJT का हम वीडियो बनाए हुए, उसमें BJT का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, काफी अच्छा वीडियो है वो आपका BJT का। तो ये करंट को हम बोलते हैं IC, जो कलेक्टर टर्मिनल के अंदर जाता है उस करंट को हम बोलते हैं IC, ये करंट होगा हमारा IB और ये करंट हमारा कौन सा होता है IE। ओके, सो अब देखो यहां से I1 जो है इसका कुछ करंट का पार्ट इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, कुछ करंट का पार्ट इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा I1 का और कुछ पार्ट जो होगा वो इधर जाएगा, तो जो पार्ट हमारा कलेक्टर टर्मिनल के अंदर से जा रहा है उसी करंट को हम क्या बोलेंगे IC। अब बताइए ये साइड जो करंट है उस करंट का वैल्यू कितना होगा, इस करंट का आप बता सकते हो क्या वैल्यू, ये करंट देखो ये करंट डायरेक्टली ये टर्मिनल कहां से अटैच है, ओपन के इनवर्टिंग टर्मिनल से, और आपको बताया कि ओपन का जो इनवर्टिंग टर्मिनल के अंदर से जो करंट जाता है ये करंट कितना होता है 0 एम्पियर, ये करंट कितना होगा 0 एम्पियर, अगर ये 0 एम्पियर है यानी कि यहां पर कोई भी करंट आने वाला है क्या, कोई भी करंट आने वाला नहीं है, यानी यहां पर 0 एम्पियर जाने वाला है करंट, अगर यहां 0 एम्पियर जाने वाला है तो जो I1 ऊपर से चला है बैटरी से सेम I1 हमारा कलेक्टर टर्मिनल में भी मिलेगा हमको, वो कलेक्टर टर्मिनल को हिट करेगा सेम करंट, सो IC करंट हमारा कितना हो जाएगा, IC करंट हमारा हो जाएगा I1 के बराबर, और ये कितना है 10 मिली एम्पियर, ये कितना है हमारा 10 मिली एम्पियर। ओके, 10 मिली एम्पियर, आपको पता है ट्रांजिस्टर में हम लोग ये इक्वेशन लेते हैं IE इज इक्वल टू IC प्लस IB, I इक्वल टू IC प्लस IB, इसमें IB हमारा क्या होता है बहुत ही स्मॉल वैल्यू का करंट होता है, जनरली हम बोलते हैं I और IC जो होता है वो हमारा मिली एम्पियर के ऑर्डर में आता है करंट, और IB जो होता है वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में आता है, तो आप चाहो तो इस IB को इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा था करंट I इज अराउंड, एग्जैक्ट करंट आपको नहीं पूछा, आपको अराउंड करंट पूछा हुआ है कि किस करंट के आसपास होगा I का वैल्यू, ये I यहां पर फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू आपको पूछा हुआ है, जब अराउंड में पूछ रहा था IB को हम यहां इग्नोर कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि I इक्वल टू क्या होगा नियरली इक्वल टू IC, IE इज नियरली इक्वल टू IC, और IC का वैल्यू कितना आया हुआ है 10 मिली एम्पियर, तो IE का भी वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 10 मिली एम्पियर आ जाएगा, IE का भी वैल्यू कितना आ जाएगा 10 मिली एम्पियर। अब देखो यहां से जो करंट निकल रहा है उसको IE बोल रहे हैं और इस करंट को क्वेश्चन आई बोला है, यानी आई इज इक्वल टू आई, तो हमारा ये वैल्यू निकल गया, यानी आई का वैल्यू कितना निकल गया, आई सेम एज आई ई, और वो हमारा आ चुका है नियरली कितना हुआ है 10 मिली एम्पियर, क्योंकि हम बेस करंट को अगर इग्नोर कर देते हैं तो आईसी और आई का करंट आपस में लगभग क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा, क्योंकि आईबी का करंट बहुत ही स्मॉल करंट होता है, वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होता है, सो आई का वैल्यू कितना हमको मिला 10 मिली एम्पियर, सो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा, दिस ऑप्शन इज राइट। सो देखो ये क्वेश्चन कितना आसान था बट देखने में बहुत टफ लग रहा है कि एक ओपम है ट्रांजिस्टर है, तो इसी में आप देखकर ही आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, ओपम है ट्रांजिस्टर है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा भी अगर आप बेसिक्स को अप्लाई करते हो अच्छे से, अगर आप पढ़े हुए हो इस चीज को, कॉन्सेप्ट थोड़ा भी बहुत बिल्डअप हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में डरने का नहीं है, ऐसे भी जो क्वेश्चन देखने में जितना टफ होता है बनाने में उतना ही आसान होता है, ठीक है, सो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यूज किए यहाँ ओपम का, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ओके, और इसी तरह का बेहतरीन क्वेश्चन हम लाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, प्रैक्टिकल ओपन पर भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें वीपी और वीएन बराबर नहीं होगा वो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ट्रेंड अभी उस क्वेश्चन का भी बन रहा है, वैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा आपको वीडियो लग रहा है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा चैनल में जो सब्सक्राइब मेंबर है अगर 1000 के पार चला जाता है तब यूट्यूब अलाउ करता है लाइव सेशन लेने के लिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग लाइव सेशन भी लेंगे, ठीक है, और आपका जो डाउट होगा वो डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है, सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।